क्लास टेंथ के मैथ में लेसन 8 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज चल रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मैंने इसको ऑप्शनल दिया है, तो ऑप्शन में अगर 1 आता है या 9 आता है या 8 आता है या 0 आता है, जो भी आता है, तो कैसे आता है इसका जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको आंसर कैसे हम चूज करेंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके ही इसका पता चलेगा। तो देखिए क्या है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 को कॉमन ले लीजिए तो बच गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। वी नो दैट, यहां पे देखिए आ गया आपका, वी नो दैट sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि 9 इंटू 1, 9 आ गया, तो आपका ऑप्शन हो गया बी, यानी बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा में ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2 और डी माइनस 1। अब इसका जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसका आंसर पता नहीं चलेगा कि कौन होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा होगा इसका आंसर। तो क्या है, पहले एलएस 1 प्लस टेन थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्या करेंगे कि इसको साइन कॉस में तोड़ देंगे, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस 10 का होता है और सेक का 1 बाई कॉस, इसको भी तोड़ देंगे, कॉस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है। तो ये अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा ये आ गया यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा कितना, साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ रहा है यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1, तो क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया। अब इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया प्लस 1 माइनस 1 रिमूव हो गया, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट गया, क्या बचा 2। तो आंसर आपका कौन हो गया, सी है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए
ऑप्शन है ए में से के, बी में साइन है, सी में कॉसे के और डी में कॉसे। तो देखते हैं कौन आता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या है, से के प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन है। तो क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, ये आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस साइन ए, ठीक है, आई इंटू वन माइनस साइन ए, ठीक है, ये आ गया ऊपर चला गया। अब चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए, क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कट गया, क्या बचा कॉस ए। तो ये आपका आंसर हो गया कॉस, कौन सा डी। क्वेश्चन फोर का लास्ट क्वेश्चन है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन है ए सेक स्क्वायर, बी में माइनस वन, सी में कॉट स्क्वायर ए, डी में टेन स्क्वायर ए। अब देखना कौन सा है, कौन आता है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एक तरह से फॉर्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, क्लियर है। अब सेक स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन वन बाई साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो दो स्क्वायर तोड़ देंगे, इसको उतार दीजिए नीचे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लट जाएगा ये, साइन स्क्वायर ए बाई वन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो देखिए आंसर कौन सा है, डी। तो डी इसका आंसर हो गया। जिसको प्रूफ करना होगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो देखते हैं एलएचएस लेके चलेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, इसको तोड़ देंगे वन साइन बाई कॉस में, तो ये हो जाएगा वन बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जो है छोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे क्योंकि आरएचएस में हमको इतना लाना है ना। तो क्या करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसको तोड़ देंगे, इसको चूंकि वन का मतलब हो गया वन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, अब ये आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी से टूटेगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है।
अब ये और ये खत्म हो गया। देखिए आपका आ गया आंसर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा RHS प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है, cos है अपॉन 1 प्लस sin है, प्लस 1 प्लस sin है अपॉन cos है इक्वल टू 2 से के प्रूफ करना है हमको। तो LHS लेके चलेंगे, देखते हैं कैसे आएगा। LHS cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, LCM ले लेंगे, क्या आ जाएगा cos a 1 प्लस sin a, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में LCM जिसका लिए तो ये आ जाएगा cos, तो cos स्क्वायर a प्लस इसमें क्या बचेगा, वह cos cos कट गया, 1 प्लस sin है, 1 प्लस sin का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन cos a 1 प्लस sin a, ठीक है। अब cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को एक तरफ करेंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 sin a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस sin a, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यह आ गया 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। क्या करेंगे कि 1 प्लस 1 को जोड़ देंगे, तो यह आ गया 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 2 को, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा 2 बाई कॉस ए, 2 को नीचे उतार दीजिए तो 2 इंटू 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा 2 से के आर एच एस है ना। तो इस तरह से जो है हम प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, तो इसको LHS से RHS प्रूफ करना है। तो देखते हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको sin cos में तोड़ते हैं है ना, तो sin tan का sin थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 1 माइनस टेन का साइन बाई कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको जो है नीचे वाले को एलसीएम करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा साइन थीटा, इसमें आ जाएगा साइन टू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा है, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस थीटा, इसका भी एलसीएम लेंगे, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको नीचे करेंगे तो आ जाएगा कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन, पलट जाएगा तो साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन, ठीक है। साइन साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे सेट करना होगा, नीचे वाले को एलसीएम लेना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा को पहले लाने के लिए ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको आगे कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस क्या हो गया, कॉमन किया तो माइनस हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, आगे आगे साइन थीटा, साइन थीटा आगे आ जाएगा, है ना। अब कॉस प्लस में है तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम आसानी से ले सकते हैं, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम को जब हमें लिए हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बचेगा तो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से इसमें हो जाएगा कॉस क्यूब, कॉस क्यूब थीटा। अब वी नो दैट कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताए हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां पे सेट करेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्म पे इसको हम सेट करेंगे, है ना, और नीचे वाले को उसी तरह से रखेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, तो इसको सेट करेंगे तो आएगा पहला ए की जगह साइन थीटा माइनस बी की जगह कॉस थीटा, ब्रैकेट में, फिर उसके बाद है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आ गया कट, रिमूव कर जाएगा तो कट गया, तो बच गया कितना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, वन, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग कर देंगे, फैक्टर कर देंगे तो अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया दोनों, तो यहाँ पे बच गया कितना, ये कट के वन हो जाएगा। तो आगे कर देते हैं इसको, तो वन प्लस इसको अलग अलग कर देते हैं, वन बाई साइन थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा, ये आ गया वन प्लस वन बाई साइन थीटा क्या हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका क्या हो गया वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो देखिए आपका आंसर आ गया होगा, है ना, आ गया ना, तो ये आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे इंटू में हो सकता है। तो ये आ गया आर एच एस प्रूव। तो वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, इसको प्रूफ करना है। तो इसको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस या दोनों को इक्वल भी दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, या फिर इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, एल एच एस वन प्लस सेक ए बाय सेक ए, ठीक है ना। तो सेक ए को जो है हम पहले इसको जो है आप तोड़ दीजिए, तो तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, वन बाई सेक ए प्लस सेक ए बाई सेक ए, है ना, ये रिमूव हो गया, यहाँ पे आ गया वन बाई सेक ए प्लस वन, वन बाई सेक ए का मतलब क्या हो गया कॉस ए, तो कॉस ए प्लस वन आ गया, इसको आप वन प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वन प्लस कॉस ए आ गया, अब देखते हैं आर एच एस से वन प्लस कॉस ए आता है कि नहीं, तो बाई आर एच एस, साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए, तो इसको साइन स्क्वायर को तोड़ देंगे तो क्या आएगा वन माइनस कॉस ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस ए, ठीक है। तो वन का मतलब हो गया वन स्क्वायर, इसको वन स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा वन स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले पे, तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ खत्म हो गया, आपके पास क्या आया वन प्लस कॉस ए, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए कि एल एच एस इक्वल टू, सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया प्रूफ। दूसरा इसका फॉर्म है तो इसको जो है सेकेंड मेथड में भी इसको जो है हम इसी तरह से तोड़ कर वन प्लस कॉस ए ला देंगे। वन प्लस कॉस ए जब आ जाएगा तो आप कीजिएगा क्या कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, चूंकि इसका वन है नीचे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई प्लस है, तो वन माइनस कॉस ए एन एंड डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आता है वन प्लस कॉस ए बाई वन, इसको मान लिया तो ये वन माइनस कॉस ए, नीचे आ गया वन माइनस कॉस ए
तो क्या हो गया, ये आ गया a प्लस बी आई ए माइनस डी है ना, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे वन से मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस कॉस है, ये आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस है ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो देखिए आर एच एस आपको आ गया होगा वन माइनस कॉस ए, तो आर एच एस आ गया प्रूव्ड। तो इस तरह से सेकंड मेथड को हम बनाते हैं है ना, कई तरीका है इसको बनाने का है ना, बहुत हर सम का कई तरीका होता है, कई मेथड से उसको हम सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से हम इसको आपको सॉल्व करके एल एच एस टू आर एच एस दिखाएं ठीक है ना। तो आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोड करेंगे ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इतना पे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।